निकालेगा खाएगा अंडा, पर दिखने में लगेगा नहीं कि वो अंडा खा रहा है। आर्ग्यूमेंट वहां पे होती है जहाँ गलत होता है बंदा। इतना बटर काम है ये तो। अरे सामने वाले को हिचकी आनी चालू हो जाएगी। इतना अलादीन का चिराग है, जितना घिसोगा उतना बढ़ेगा। अरे बाप रे, ये अलादीन का चिराग ही बना दिया है। देखो अगर आप देख लो ना तो भाई खाए बिना रह नहीं सकते। ये अटर के अंदर खिलाऊंगा एग कुल्लड़। हाँ, नाम चाय नहीं पिलानी है, कुल्लड़ अंडा खिलाना है हमको। आपने दुनिया में ऐसे ऐसे वेंडर देखे हैं जो अपनी अपनी चीज के लिए बहुत ही प्रख्यात है। जैसे कि हैदराबाद में देखोगे तो आपको बिरयानी के लिए फेमस मिलेंगे, दिल्ली में देखोगे तो चाट के लिए फेमस मिलेंगे। वैसे ही हमारे पास में एक वेंडर है जो सूरत का किंग कहा जाता है और वर्ल्ड फेमस है, जो अपनी अंडे की वेरायटी ऐसी वेरायटी बनाते हैं ना जो आपको सूरत में कोई नहीं खिला सकता। तो कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया सर जी, कैसे हो आप? बस बढ़िया है। देखिए, और क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर जी जेके फायर। नाम ही काफी है, गूगल को बोल दो, सर्चिंग पे फर्स्ट नंबर पे है सर जी। अच्छा, जेके फायर लिखते ही आ जाएगा? हाँ, जेके फायर गुजरात सूरत लिखो सर जी। और चीज क्या खिला रहे? बोलते हैं यहाँ पे अंडे के लिए एक ही नाम है, जेके फायर। उनके पास में जाओ, आपको कोई भी वेरायटी खिला देंगे। भैया आपको मैं खिलाऊंगा स्टार्टर, आज स्टार्टर के अंदर खिलाऊंगा एग कुल्लड़। हाँ, नाम चाय नहीं पिलानी है, कुल्लड़ अंडा खिलाना है हमको, अंडे की। अरे भैया, कुल्लड़ में ही आपको अंडा खिलाऊंगा। अच्छा, कुल्लड़ में ही अंडा खिलाऊंगा। हाँ, लोग तो चाय के लिए यूज करते हैं कुल्लड़ को। भाई साहब, 3 साल पहले मेरी वीडियो बन चुकी है कुल्लड़ में। अच्छा, कुल्लड़ इंडिया में कुल्लड़ लाने वाले ही हमें। अच्छा, उन्होंने देख के फिर चाय बना दी होगी। हम ऐसा मैं नहीं कह रहा भाई, रिप्रेजेंट इंडिया को रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं। अच्छा, रिप्रेजेंट में कुल्लड़ में बनता है, हांडी में बनता है। तो अभी आप हमको एक कुल्लड़ खिलाओगे? हाँ, ये जा रहा है सॉल्ट। अच्छा, सॉल्ट आ गया, जा रहा है धनिया पाउडर, ये धनिया पाउडर आ गया, चाट मसाला भी आ गया, चिली रिपीट। तो भाई टेस्ट कैसा होने वाला है वो बता दो मुझे पहले। आपको तो कैसा चाहिए, नमकीन चाहिए, स्पाइसी चाहिए, कैसा चाहिए? अरे मीडियम टेस्ट चाहिए, ताकि कोई भी खाए, चाहे बच्चा खाए या बूढ़ा खाए, टेस्ट आना चाहिए। तो ये बच्चों के हिसाब से बना रहे वो समझ लो। अच्छा, ये बच्चे के हिसाब से सही है। तंदूर की प्यूरी जा रही है। अच्छा, ये तंदूर की प्यूरी रहने वाली है। लिक्विड चीज जा रहा है, यानी एकदम वो बच्चों को जैसे लुभावना रहता है ना, लुभावना करके रख दिया है कि भाई चीज भी आएगा, मायो चीज भी आएगा, ये भी आएगा, वो भी आएगा, वैसा है क्या? अब देखो भैया, खाली देखो। अब बोलूंगा तो बोलते हो कि बोलता है, इसलिए सिर्फ करके बताता हूँ आपको। करके तो दिखाओगे, पर हमें भी तो पता चलना चाहिए ना क्या क्या जा रहा है। ऐसे तो आप कुछ भी डाल दोगे तो हम क्या खा लेंगे? भाई साहब, आप फोटो रख देना, कोई बंदा नहीं बता पाएगा ये इसके अंदर अंडे है। क्या बात है। अच्छा, अंडे नहीं निकाल पाएगा उसमें से? अंडे निकालेगा खाएगा अंडा, पर दिखने में लगेगा नहीं कि वो अंडा खा रहा है। क्या बात है, यानी उसमें से पता नहीं चलेगा कि अंडा खा रहा है। दिमाग जितना भी घिस ले पर उसको अंडा ढूंढ नहीं पाएगा, जब खाएगा तभी पता चलेगा कि अंडा खा रहा है। अंडा खा लिया मैंने। आए आए, तो ये तो एकदम प्रैंक जैसा हो जाएगा किसी के साथ में। करना हो तो कर सकते हो प्रैंक, कोई अंडा नहीं खाता उसको जबरदस्ती खिलाना हो खिला दो। तो ये कर दो प्रैंक कर दो। ये 99% बच्चे सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जो प्रोटीन में वो अंडे ज्यादातर खाते नहीं, इग्नोर करते हैं अंडे, और फैमिली बोलते हैं बेटा अंडा खाओ, तो इनके लिए ये आइटम है। अच्छा, जो नहीं खाते हैं उनको खिलाना है तो उसको ये फर्स्ट टाइम ये डिश ट्राई करा। अरे वो सामने से मांग लेगा, दे दो मुझे। अच्छा, सामने से मांगेगा। ये जा रहा थोड़ा सा प्याज, ये आ गया प्याज, ये जा रहा कटिंग बॉयल। तो जेके भाई, आपने ये चालू कब किया था वो तो बता दो हमको। भैया मुझे ही नहीं पता मैंने कब स्टार्ट किया। क्या बात है, आपको खुद को ही नहीं पता कि कब चालू किया था। काम करने वाला इंसान तारीख और वार नहीं देखता भाई, बस उसे करना है। ये भी सही है, जिसे नहीं करना वो हिस्ट्री लेके चलता है, ये दिन को मैंने ये किया वो किया। ये भी सही है कि अब मैंने ये किया था उस तारीख को वो किया था। अरे कितने अंडे आ रहे हैं, खाओ ना भैया। भाई जेके भाई, दिल से खिलाओ। हाँ। पैसे भले चाहे थोड़े कम ले लो, पर दिल से खिलाओ सामने वाले को। अरे भैया, खाने वाला कभी पैसा नहीं देखता, और पैसा देखता खाने नहीं आता। वो भी सही है, जिसको सही है अच्छी वैरायटी खानी है वो पैसा हाँ। कभी नहीं देखेगा। लोग यहाँ 50 किलोमीटर दूर से आते भाई, मैंने देखा है और मैंने सुना है, तभी मैं आज आपके पास में आया हूँ। बाकी यहाँ पे आने की मेरे क्या जरूरत पड़ी। और लोग बोल रहे थे कि भाई आप एक बार जेके भाई के हाथ का खा के देखो। तो भाई ऐसा क्या टेस्ट है, वो टेस्ट ही मैं ट्राई करने आया हूँ। तो भाई हमको खिला रहे हैं क्या, एग कुल्लड़, और वो बोल रहे हैं कि ये अगर आपने एक बार खा लिया ना
तो दूसरी बार आने हो जाओगे दीवाने भाई साहब, दीवाने हो जाओगे और ढूंढते हुए आओगे कि भाई जेके फायर रहते कहाँ है और बनाते कहाँ पे। तो भाई जेके भाई आपने इतना बड़ा बना तो दिया, ये सब आ जाएगा उस कुल्लड़ में? हंसते हंसते आ जाएगा। क्या बात कर रहे हो, मुझे ये इतनी सारी क्वांटिटी दिख रही है, आप उस एक कुल्लड़ में उसको सबको डाल दोगे? उतार देंगे, उतार देंगे। अरे भाई बाटली में आदमी को नहीं उतारना है, अंडे को उस कुल्लड़ में उतारना है। भाई साहब बाटली में उतारने के लिए भी हुनर चाहिए, वो भी सही है। बंद दिमाग का काम नहीं है, दिमाग हो वही काम कर सकता है ये। बाटली में उतारना हर कोई की बात नहीं है, सही है। हाँ, और बिजनेस में यही चलता है हुनर, लोग अच्छे अच्छे को बाटली में उतार देते। ये तो अंडा है, कुल्लड़ में ही उतारना है। ये अपनी डिश रेडी हो चुकी है। रेडी हो चुकी है भाई, थोड़ा आ जाओ यहाँ दिखा देंगे। और ये देखिए भाई, अभी वो बता रहे हैं कि हम कैसे उसको प्रिपेयर करते। ओहो, ये क्या कर रहे हो, उसको बटर से नहला दिया? अरे भाई यार वाली फीलिंग दे रहे हैं भाई, इतना बटर कम है ये तो। अरे सामने वाले को हिचकी आनी चालू हो जाएगी इतना बटर खा के। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाई। और ये कौन सा अमूल, कौन सा है? अमूल तो यूज नहीं करते भाई, अमूल नहीं करते। लोग बोलते हैं हम अमूल यूज करते हैं, हम बोलते हैं अमूल यूज नहीं करते हम। अरे भाई सब लोग बोलते हैं वो बढ़िया क्वालिटी का आता है, आप बोल रहे हो अमूल खाना नहीं। गूगल है ना आपके पास, सर्च मारो 8वें नंबर पे इंडिया पे। ओहो हो, कहाँ हो आप? ये पर जो भी यूज कर रहे हो वो है तो अच्छा ना? प्रेसिडेंस है सर जी, अगर प्रेशर वाला बंडा होगा तो भी उसको दिक्कत नहीं है। सही है, विदाउट सॉल्ट है ये। हाय हाय हाय, और अमूल का बाप है, महंगा है उससे, उससे भी महंगा है। हाँ, 700 रुपीज केजी है। तो आप जितने की प्लेट नहीं उतना तो बटर डाल दिया आपने। मैंने आपको पहले ही बताया खिलाने में कभी भी कॉस्टिंग नहीं देखनी चाहिए, बंदा एक खाएगा 10 को भेजेगा, कॉस्टिंग अपने आप कवर हो जाती है। सही है, और उसको पूरी तरह से गार्निश कर दिया। देखिए जेके बाहर है ना, उसमें कितनी चीजें डाल रहे हैं ना, मैं गिन नहीं पा रहा हूँ। हर चीज वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार डाल रहे, रिपीट कर रहे हैं ताकि उसका टेस्ट बढ़े। मैन जो है वो उसका टेस्ट की तरफ देख रहे हैं वो। और ये देखिए भाई, अभी उसको कुल्लड़ में डालना चालू कर दिया। और देखिए अपने को जब दिख रहा था इतना सारा, उन्होंने एक कुल्लड़ में उसको समा दिया। और देखिए भाई एकदम बरोबर लेवल पे ले आया है। ये होती है कलाकारी, एक कलाकार के पास में जो चीज़ है ना वो है कलाकारी, बाकी उसके पास में कुछ नहीं है। लोग उसकी कलाकारी देखने के लिए और उसका जो टेस्ट है ना हाथ का वो खाने के लिए यहाँ पे आते हैं। क्या बोलते हो जेके भाई? बस आपने इतना सारा कह दिया, मेरी तो बोलती बंद कर दी आपने तो। अरे भाई जेके भाई की बोलती हम बंद कर सके इतनी हमारी हिम्मत नहीं है भाई। आपने जो बोल दिया ऑडियंस को जो सही है उसके लिए मैं तो कुछ कह नहीं सकता ना, आर्ग्यूमेंट वहाँ पे होती है जहाँ गलत होता है बंदा। ये भी सही है, आर्ग्यूमेंट वहीं पे होती है जहाँ पे बंदा गलत हो ना, वहाँ पे आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होती है। ये देखिए आपके लिए सजा के रख दिया, बच्चों के लिए उसको लाली लिपस्टिक होगा भाई। आय हाय हाय, यानी उसको है ना डेकोरेट करना पड़ेगा और तभी वो है ना लुभावना लगता है। बच्चे एक चीज है ना खाते हैं ना, उसको पहले देखते हैं कि वो डेकोरेट कितना है और वो लुभावना कितना है। लुभावना होने पर उसको उसे बोलते हैं एक्टिव। सही है, सही है, जो अच्छा दिखेगा तो बंदा एक की जगह दो चीज खाएगा। और मेन चीज ये है फ्रेंड्स के जेके फायर ने है ना अनुभव, अपना जो अनुभव है ना वो दिखा रहे हैं। दिल और दिमाग दोनों मैंने अंडे में रखा है ताकि है ना बच्चों को कैसे लुभाना है, बड़ों को कैसे लुभाना है और कैसा कस्टमर है ना उसके हिसाब से वो उसको चीज़ रेडी करके देते हैं कि भाई आपको क्या खाना है, तीखा मीडियम जैसा है उनको बता दीजिए, वो आपको चीज़ रेडी करके दे देंगे। और देखिए भाई चीज़ से तो उसको देखिए, ओहो बारिश कर दी है और ऑलमोस्ट भर चुका है, पर यहाँ पर अभी उनकी चीज़ रुक नहीं रही है, घसे जा रहे घसे जा रहे। ये देखिए भाई, ओहो एक परत भाई अलादीन का चिराग है, जितना घिसोगे उतना बढ़ेगा। अरे बाप रे, ये अलादीन का चिराग ही बना दिया है। देखिए भाई, ओहो मैंने आपको बोला था कोई बंदा बोल नहीं पाएगा कि अंडा है, कह नहीं पाएगा, कोई भी नहीं बता सकता है कि इसमें अंडा है कि नहीं है भाई। वो एक कुल्लड़ पिज्जा जैसा आता है ना उसकी तरह हो गया है। तो यहाँ पे देखिए, ओहो ये देखिए वाह भाई वाह, और फायर से देखिए उसका जो लुक आ रहा है ना, अगर इस टाइम पे अगर आप देख लो ना तो भाई खाए बिना रह नहीं सकते। ये आइटम ऐसी बन रही है यहाँ पे, पड़ाका कर दिया देखिए भाई। आय हाय हाय, ये है जेके फायर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बन गया अपना एग कुल्लड़ जो बच्चों और हर कोई के लिए बढ़िया रहने वाला है। तो आइए और ट्राई कीजिए, मैं कर रहा हूँ उसको ट्राई। मिलते हैं नए वीडियो में।